मेरे परिवारजनों, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, जीप चलानी आती है? काफी लोग हैं। अच्छा उसमें एक रिवर्स गियर होता है, पता है? वो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर क्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ही ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। उनकी हर योजना, हर पॉलिसी देश को पीछे ले जाने वाली होती है। कांग्रेस के लिए देश नहीं बल्कि उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। भले इसका खामियाजा देश को क्या न उठाना पड़े, कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेज में पढ़ाई नहीं की इसलिए? ये आपके बेटे ने तय किया है, आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। इसलिए रिवर्स गियर पर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है।